हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज शर्मा ग्रुप और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी के बारे में, जो कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और कौन कौन से पोस्ट का प्रीफ्रेंस फिर से इसका निकला है, फिर से नया प्रीफ्रेंस दिया गया है कि इस पोस्ट में इतना वैकेंसी आने वाला है, इतना ये क्या क्या होने वाला है, सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ आपको। तो आप बने रहे हमारे चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि इसी से हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों चलो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट जो था, पोस्ट जो एसएससी जीडी का था, वो टोटल पोस्ट था 54,953 सीट था। ये देख सकते हैं पोस्ट का मतलब टोटल सीट जितना था वो दिखा रहा हूँ मैं। ये जो एप्लीकेशन फ़ी लगा था आपको 100 रुपये, ये मैं आपको डिटेल्स कन्फर्म कराता हूँ। एडमिट कार्ड अवेलेबल हेयर देख सकते हैं, 31/5/2019 को आपका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए अभी हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं इसका, कि ऑफिस ऑफिशियल नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ऑफिशियल नोटिस हम खोल दिए दोस्तों, ये देखिए ऑफिशियल नोटिस का खुल गया। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ ये सबसे नीचे देखो, यहाँ सबसे डेट ऑफ डिक्लेयर्ड ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ आप देख सकते हो 31/5/2019 को इसका जो है रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा, और इसका जो है एग्जाम जो है मतलब हो गया है दोस्तों। तो एग्ज़ाम हो गया है, तो इसका जो है डेट डिक्लेयर किया जाएगा रिजल्ट का दोस्तों। तो इसके बारे में अभी आपको पूरा अच्छी से जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको कि इसका रिजल्ट आएगा तो हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों। रिजल्ट आएगा तो आप सबसे पहले सरकारी रिजल्ट खोल लो। सरकारी रिजल्ट खोलने का sarkaririzult.com पे आना है। सबसे नीचे आने का ये सेक्शन आप देख सकते हो, इसमें जाके आपको तीन कॉलम मिलेगा। तीन कॉलम में मिलेगा, उसमें एक में मिलेगा एडमिट कार्ड, एक में मिलेगा रिजल्ट, और एक में मिलेगा लेटेस्ट जॉब। तो आपको जाना है रिजल्ट वाले सेक्शन में। रिजल्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको क्लिक करना है SSC GD रिजल्ट। उस पर आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सबसे नीचे आओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा क्लिक हेयर टू योर, ये ऐसे में ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आप इस पेज पे आ सकते हो दोस्तों। तो अभी मैं बात करने वाला हूं अभी डाउनलोड रिव्यू और वैकेंसी डिटेल्स, जो वैकेंसी का जो डिटेल्स फिर से रिव्यू किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उसका सारे डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको मैं अभी रिव्यू डिटेल्स दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, इसका रिव्यू डिटेल्स है दोस्तों, आप देख सकते हो फोर्स का है, मेल कैंडिडेट के लिए ये है और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये है दोस्तों। तो मेल कैंडिडेट के लिए इधर है, फीमेल कैंडिडेट, तो दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट प्रीफ्रेंस जो दिया गया है, ये किसके लिए कौन सा प्रीफ्रेंस दिया गया है ये आप देख सकते हो। BSF जो है इसके लिए, ये क्या मतलब BSF के लिए, BSF का जो इसमें पोस्ट है वो आप देख सकते हो 2300, जो SC के लिए जो है 2310 किया गया है। सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ये फार्म पर सारा दिया गया है, आप देख सकते हो। टोटल बॉयज़ कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हो, सिर्फ बॉयज़ कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हो कि कितना सीट है दोस्तों। आप देख सकते हो कि बॉयज़ कैंडिडेट के लिए 50,066 सीटें हैं दोस्तों, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो गर्ल्स हैं उनके लिए जो है 58,373 सीट है दोस्तों। तो ये यही डिटेल्स मैं आपको टोटल बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला था, और मैंने बनाया वीडियो आपको बताने के लिए कि ये जो है वैकेंसी का जो है प्रीफ्रेंस फिर से दिया गया है, पोस्ट बढ़ाया गया है दोस्तों। और हाँ, ये जो आपको चेक करना है ना रिजल्ट, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है। तो दोस्तों आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।